आज के इस वीडियो में बताएंगे बिहार में पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, जिसमें बिहार राज्य निज सहायता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना या मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, सभी तरह पेंशन की योजना के लिए आप बिहार में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको स्टार्ट कर दिया गया, वो भी सर्विस प्लस की वेबसाइट पे। तो आज के इस वीडियो में बताएं किस तरह विकलांग पेंशन के लिए या वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी भी तरह के पेंशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन बिहार में। इससे पहले मैंने आपको बताया था वृद्धाजन पेंशन योजना के लिए, इसमें सिर्फ वृद्धाजन पेंशन योजना का अप्लाई हो रहा था इस वीडियो की मदद से, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी तरह के पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, विकलांग पेंशन हो या किसी पेंशन, सभी तरह के पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सर्विस प्लस की वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप ब्राउज़र में सर्च करेंगे serviceonline.bihar.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आके खुद का पंजीकरण करके एक अकाउंट बना लेंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट को सही से यूज करने के लिए आप मौजूदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर देंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे, उसके बाद इस कैप्चर के इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास सभी सर्विस की लिस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे शॉप पे क्लिक करके 100 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सभी सर्विस यहाँ पे आपको शो कर देंगे। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है 48 में सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे बोला योजना का नाम, स्कीम को आपको सेलेक्ट करना होगा, किस योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो बिहार राज्य निज सहायता पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये वाले सेलेक्ट करेंगे। जिस भी योजना के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। तो बिहार राज्य निज सहायता पेंशन योजना के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पेंशन को पाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपको दिखाएगा। 40% से ज़्यादा आपका विकलांग प्रतिशत होना चाहिए और इसमें कोई लिमिट, एज की लिमिट नहीं, ना इनकम की, और इस पता पे कम से कम 10 साल से वो रह रहा हो इसकी एलिजिबिलिटी होगी। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फुल नेम देंगे आधार के अनुसार, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप अपना नेम देंगे उसके बाद कीबोर्ड की टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो आपको हिंदी में आ जाएगी। अगर हिंदी में अक्षर आपको गलत लग रहा है तो आपको मैंने गूगल इनपुट टूल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, इस पर आएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जिस तरह व्हाट्सएप पे लिखते उस तरह आप अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। इसको यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अभिवादन सेलेक्ट करेंगे, श्री या कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देंगे, एज आ जाएगी। यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे, चलिए यहाँ पे आधार नंबर देने के बाद बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्री के लिए बोला गया तो एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे फादर का फुल नेम देंगे अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में देंगे। मदर का फुल नेम अंग्रेजी, मदर का फुल नेम हिंदी में। उसके बाद हस्बैंड वगैरह का नाम दे सकते हैं तो खाली छोड़ सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड है तो उसकी संख्या दे सकते हैं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे, एक ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको पूछ रहा है किस कैटेगरी के, जाति सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है, आपके बदन पे कटा उटा तिल वगैरह का निशान तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि आप अल्पसंख्यक है, यस या नो, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड कर देनी होगी। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अभी 3 ही जिला शो कर रहे हैं, जहानाबाद, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। धीरे धीरे से सभी जिला को ऐड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ 3 जिला शो कर रहा है, इसमें से आपका जो भी जिला वो सेलेक्ट करेंगे। जल्द इसमें भी धीरे धीरे सभी जिला को जोड़ दिया जाएगा। अभी जहानाबाद, समस्तीपुर, सीतामढ़ी को जोड़ा गया है। तो चलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अनुमंडल सेलेक्ट करना होगा। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो ब्लॉक होगा ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना टाउन का नाम देंगे, शहर का नाम। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, अपना आपका जो पोस्ट ऑफिस वो देंगे, अपना पिन कोड देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा आपका घर ग्राम पंचायत में आता या नगर निगम जिसमें आता वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन जो भी आपका वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना आपको पंचायत जो आपका वो पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका विलेज है वो विलेज को आप यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है विकलांगता के प्रतिशत, यानी विकलांग कितने प्रतिशत वो आपको यहाँ पे देना होगा।
अगर उसके सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर है तो आप इसे डाल सकते, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। एक पुराना विकलांग सर्टिफिकेट को डिजिटल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने का मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस वीडियो की मदद से आप हाथ से लिखा हुआ विकलांग प्रमाण पत्र को डिजिटल कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसमें आपको प्रमाण पत्र संख्या वगैरह सारा चीज़ मिलेगा। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे कह रहा है अधिवास की अवधि, मतलब कि इस पते पे कितने दिन से ये रह रहा है उसको आप देंगे ईयर। अगर जन्म से रह रहा है तो उसकी एज दे देंगे। यहाँ पे प्रमाण पत्र की वैधता आप खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे अपना एक नाम देंगे, जो भी बैंक अकाउंट में नाम है अंग्रेजी में उसको हिंदी में यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड देंगे। बैंक का आईएफएससी कोड देने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच का नाम आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर देंगे, फिर उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, एग्री करेंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ बताया जाए इस आधार नंबर से अगर पहले से किसी पेंशन के लिए आवेदन किया गया है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो नहीं किया गया तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ओके बटन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद आधार वेरीफाइड हो चुका है, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डिटेल आपने पूरा फिलअप किया वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। पूरा डिटेल को आप यहाँ पे अपना इस डिटेल को चेक कर लेंगे। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रसीद दे दिया जाएगा या आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे या सबमिट कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके कुछ इस तरह दे दिया जाएगा। जो रिसिप्ट आप देख सकते हैं बिहार राज्य सहायता पेंशन योजना का ये रिसिप्ट है, तो ये देख सकते हैं 24/8 को अप्लाई हुआ है, तो उसका डेट जो मिला है 12/10 को, यानी कि 2 महीने बाद इसको डेट मिला, यानी 2 महीने बाद, 2 महीने के अंदर इसका जो पेंशन है वो चालू कर दिया जाएगा जाँच करके वेरीफाई करके। तो इस तरह का बिहार में ऑनलाइन आवेदन सर्विस पहले इसकी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एक आवेदन कर सकते हैं बिहार में। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा।